हेलो दोस्तों, आपको भी कभी कभी लगता होगा कि यार मैं भी तो इतनी मेहनत करता हूँ और मैंने भी तो सारी शीट सॉल्व करी है, मैंने भी सारे मॉड्यूल सॉल्व करे, फिर भी मेरे नंबर क्यों नहीं आते और जो टॉपर है उसके इतने नंबर आ कैसे जाते हैं? तो यार इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो आपकी पढ़ाई में नहीं है, आपके रिविजन में है। अगर आपका रिविजन स्ट्रांग होगा तो आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। मैं आपको बताऊँ, जो तीन टेक्निक मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक्टिव रिकॉल और विजुअलाइजेशन, आपको दिख रहा होगा तीनों ही टेक्निक जो है साइंटिफिकली प्रूवन है और आप इसको गूगल पर आके रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाया आपके लिए, काफी ज्यादा वीडियोस देखे और कुछ दोस्तों से भी बात करी जो कि एम्स और जिपमर में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट करा कि भाई हाँ ये सही टेक्निक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये टेक्निक्स क्या है, और अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे तो उसने भी यही कहा कि सर मेरा रिविजन जो था सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए जो है मेरे इतने अच्छे नंबर आए। तो यार सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की। जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये बेसिकली कुछ नहीं है। देखिए, आपको पता है कि न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स के बीच में कुछ न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। जो न्यूरल कनेक्शन जो जितना स्ट्रांग होगा उतने ही अच्छे से हम उस चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे। तो आपको अपने न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग करने हैं, और न्यूरल कनेक्शन जो होते हैं फिजिकल कनेक्शंस होते हैं, मतलब एज आपने कोई धागा से धागा जोड़ा है ना, तो वैसा ही कनेक्शन होता है, मतलब एक फिजिकल बॉन्ड बनता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो न्यूरल कनेक्शन जो होते हैं ये आपको स्ट्रांग करना है। अब इससे आपका क्या रिलेशन है आपके पढ़ाई का? तो यार मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने अगर कोई किडनी का चैप्टर पढ़ा और फिर अपने आप से आपने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया कि किडनी में कितना फिल्ट्रेशन होता है, किडनी में कितना ब्लड फ्लो होता है, पीसीटी पार्ट में क्या होता है, डीसीटी पार्ट में क्या होता है, तो यार ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपको बार बार अपने आप से पूछने हैं अगर आपने कोई भी चैप्टर को कवर कराया। तो जब आप खुद के क्वेश्चंस बनाते हैं, खुद ही आंसर करते हैं, तो वो जो न्यूरल कनेक्शंस है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो उस पर आपको खुद से क्वेश्चनिंग करनी है और आपको खुद के क्वेश्चंस बनाने हैं उस चैप्टर को लेकर के। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो आपको हो सके तो वो चैप्टर आप किसी को पढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो न्यूरल नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपका खुद का भी तो न्यूरल नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि किसी को पढ़ाने के लिए पहले आपको खुद को समझना होगा। तो यही जो टेक्निक है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, आप इसके बारे में और रिसर्च करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही सच बोल रहा हूँ या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दूसरी जो टेक्निक है वो विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन के करने के लिए हमारे यूट्यूब पर ही एक हमारे सर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं नीट वाले एस्पायरेंट्स के लिए। तो यार ये जो सर है ये है बायोलॉजी बॉम्ब, और बायोलॉजी बॉम्ब नीट के नाम से इनका चैनल है, और यार ये पूरा विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करके अपना कंटेंट बनाते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने यहाँ पर एनिमेशंस को यूज़ करके एक स्टोरी टेलिंग भी है यहाँ पर, तो यार आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है जैसे आप मूवी देखते हैं तो आपको मूवी याद नहीं करना पड़ती, मूवी आपको याद हो जाती है। तो वैसे ही ये जो सारे हमारे बायोलॉजी बॉम्ब नीट, अगर आप इनका चैनल विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिए तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा चैनल लगा, इसके लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। तो यार ये पूरा एनिमेशन टेक्निक यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप जाके देखिए इनके चैनल, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। 25-25 मिनट का पूरा इन्हें कवर करके रखा है पूरा जितने भी चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के, और अभी ये और एक्सपांड करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनका चैनल विजिट करें। तो थैंक यू वेरी मच। यही थी दो टेक्निक, न्यूरोप्लास्टिसिटी और विजुअलाइजेशन की टेक्निक। विजुअलाइजेशन में आपको बताया मैंने कि जिस तरह से आपको एक कहानी बना के अपने आप अपने दिमाग में आपको रखना है ताकि आपको जो चैप्टर है वो ईजिली याद हो पाए। इसके बारे में अगर और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच।